मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है, पर उसे कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ भाई, इस वीडियो में कुछ ऐसा ही मिलने वाला है, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी काम में कहीं ना कहीं बिजी होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूँगा एक मोटिवेशनल टॉपिक के ऊपर। जी हाँ, बहुत स्विगी भाई, जोमैटो भाई, यानी कि ये कहो टोटल डिलीवरी भाई ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और उनको मैं बार बार यही कहता हूँ, भाई पार्ट टाइम में आप काम कीजिए, फुल टाइम में काम मत कीजिए। अगर आपके सामने कोई मजबूरी है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपके सामने कोई मजबूरी नहीं है तो आप पार्ट टाइम में काम कीजिए, फुल टाइम में काम मत कीजिए। क्योंकि देखिए, डिलीवरी का काम ऐसा है, टेम्परेरी बेस पर बहुत अच्छा है, लेकिन परमानेंट बेस पर ये अच्छा नहीं है। इसमें कोई करियर नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, और इस बात को साबित करा है एक डिलीवरी बॉय, जो यानी कि जो स्विगी में काम करते थे। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर लोकेश कुमार चेन्नई। जी हाँ, उनका नीदरलैंड की टीम में जो कि वर्ल्ड कप 2023 का खेल रही है, और एज ए बॉलर के रूप में उनका सिलेक्शन हुआ है। बड़ी खुशी की और बड़ी गर्व की बात है भाई, हमारे लिए भी और पूरी स्विगी टीम के लिए और सभी डिलीवरी भाइयों के लिए। भाई ये एक सभी के लिए क्या है, एक सबक है कि इंसान अगर मान लीजिए अपने करियर को लेकर सीरियस हो और थोड़ा थोड़ा टाइम अपने करियर पर काम करें, यानी कि देखिए अपनी ज़रूरत के लिए तो सभी काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है अपना सपना, अपना करियर, अपनी ड्रीम, अपने सपने के लिए काम करना और उसको पूरा करना। उसी के लिए भाई लोकेश भाई अपना पार्ट टाइम में जो है स्विगी डिलीवरी बॉय का काम कर रहे थे, और कई साल से काम कर रहे थे, और थोड़ा थोड़ा अपने करियर पर काम कर रहे थे, अपनी बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, और एक सपना था, एक कोशिश थी कि बस उसे हकीकत में कैसे तब्दील किया जा सके। तो वही भाई, एक बार क्या है, एडवर्टाइजमेंट आया नीदरलैंड की टीम के लिए कि भाई एक बॉलर की रिक्वायरमेंट थी, बस इन्होंने क्या करा भाई, किस्मत इनका जोश में थी और ये तैयार थे, बस इन्होंने भाई उस इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया और बस दे गए भाई, अपना इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देते भाई सिलेक्शन हो गया। तो कहने का मतलब ये है भाई कि अगर आप पार्ट टाइम में स्विगी या कोई भी डिलीवरी का काम कर रहे हो और थोड़ा सा उसमें से टाइम निकाल कर अपने करियर के लिए काम करोगे और रेगुलर काम करोगे, तो एक ना एक दिन आप अपने ड्रीम में, अपने करियर में, अपने मकसद में सक्सेस हो जाओगे, और वही आपका करियर है, वही आपकी ज़िंदगी है। क्योंकि देखिए, स्विगी डिलीवरी बॉय या कोई भी डिलीवरी बॉय का काम ऐसा है कि डेली का कुआ खोदना है, डेली का पानी पीना है। अब ये भी गारंटी नहीं कि कुआं खोदने पे पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको मालूम ही है कि भाई हमने काम करा, स्विगी ने पेनल्टी मार दी, जोमैटो ने पेनल्टी मार दी, और भाई पेनल्टी मार देते हैं ये लोग, फिर हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय टिकट रेस करो, ऑफिस में जाओ, टीएल से बात करो, कहीं से कोई रिजल्ट नहीं हासिल करने वाला। बस वही है कि कोशिश करके इंसान थक जाता है और हार मान के बैठ जाता है, कोई रिस्पॉन्स, कहीं से कोई रिजल्ट नहीं लगता। तो भाई बस ये एक अपनी टेम्परेरी ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है इनसे, लेकिन अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को, अपने करियर को नहीं बनाया जा सकता। भाई अगर बात थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो भाई अपने भाइयों में शेयर करना, कमेंट करके बताना कि हाँ भाई बात सही है या गलत है। और भाई लोकेश कुमार भाई ने जो हमारे लिए या सबके लिए जो काम करा है और एक सबक दिया है, उस सबक को हमें ध्यान में रखते हुए अपने ड्रीम के लिए काम करना चाहिए। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू हो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।